परिवार को 20,000 रूपया ताकि तत्कालिक वो कोई चीज में दिक्कत नहीं हो, बच्ची की पूरी शादी जो भी खर्च होगी और बच्ची पढ़ी लिखी है तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बच्चे के साथ बच्चियों का और 8 लाख रुपया कम से कम, कानून है दलित के किसी लोगों की हत्या होती है तो खुद चौकीदार ही थे, इनको कम से कम 20 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे इनके मुआवजा के लिए किसी भी कीमत पर कि 20 लाख रुपया मुआवजा इनको मिले और अविलंब जो प्रक्रिया है कानून हो और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इस क्रिमिनल को फांसी मिले या ढूंढ के इनको शूट एंड साइड करके इसको शमशान भेजें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे क्रिमिनल को जिंदा रहने का राइट नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं कोई राइट नहीं है, मैं इतना समझता हूँ कि आप इतना, अब ये बच्ची है, अब ये बच्ची बिल्कुल अकेले है, इसको लगता है कि मेरा पिता नहीं रहा, हमसे बात करते थे, मेरा कौन देखेगा। इन्होंने हमको एक पुर्जी लिख करके दी और इन्होंने पहले कहा कि मेरे पिता को शहीद का दर्जा मिले, मेरे पिता का मूर्ति लगे, स्मारक हो, तो निश्चित रूप से हम सरकार से पूरा डिमांड करेंगे, तत्कालिक हम परिवार को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए 20,000 रूपया और बेटी की शादी एक पिता के तरह हम करेंगे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।